गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैंने ये फूल गोभी की सब्जी बनाई है और भी बिना मसाले की। कम से कम मसाला यूज किया गया है क्योंकि मैं मसाला कम खाता हूँ और ये कम मसाले में इस तरह का मसालेदार सब्जी कैसे बनाई जाती है मैं इसको पहले खाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी रेसिपी बताऊंगा कि कैसे मैंने इस सब्जी को बनाया है, जो कि एक मसालेदार है और डाइजेशन के लिए अच्छा है। चलिए पहले मैं इसे खाऊंगा, दिखाऊंगा कि यह सब्जी अच्छी बनी है या खराब है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगा। दोस्तों, मैंने क्या किया कि पहले चावल जो कुकर में बनाया था उसी में दो आलू धो करके डाल दिया था, तो वो उबल गया और उसका मैंने चूरन बना लिया इस तरह से चोखा टाइप का। और फूलगोभी और प्याज, दो प्याज छोटे टुकड़े काट लिए थे और मिर्चाई दो टुकड़े काट लिए, और हरे मिर्चाई और टमाटर काट लिया। दोस्तों, मैंने पहले जो है कि प्याज को फ्राई किया है तेल में गरम करके, उसमें फ़ौरन डाल दिया, फिर उसके बाद प्याज को तल दिया और लाल होने तक इंतज़ार किया। प्याज लाल हो गई है और अब मैं इसमें आलू डालूंगा जो मैंने उबाल करके मांझ करके रखा था। इसे फ्राई करूंगा अच्छी तरह से लाल होने तक। एक चम्मच बारीक धनिया डालूंगा, उसे थोड़ा फ्राई कर लूँगा। फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर डालूँगा और उसे अच्छी तरह से भूंजूँगा। स्वाद अनुसार दो चम्मच थोड़े थोड़े नमक डालूँगा। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद टमाटर गल जाएगा पूरी तरह से। अब मैं उसमें फूलगोभी डालूँगा सारा। अब मैं उसे फ्राई कर रहा हूँ थोड़ी देर तक। अब मैं हल्दी को पानी में घोलूँगा, थोड़ा सा हल्दी लूँगा और उसे पानी में घोलने के बाद जो है कि उसमें फूलगोभी डाल दूँगा, और फूलगोभी में डालने के बाद उसी तरह से मिक्स करूँगा। और ये थोड़ी बहुत पानी जो है वो मैंने इसलिए डाली है कि उसे मैं ढक्कन लगा सकूँ, और ढक्कन कुकर में ढक्कन लगाने के बाद जो है कि अब ये कुछ देर में जो होता है कि स्टीम हो जाएगा। स्टीम होने के बाद एक सीटी में हम इसके गैस को निकाल लेंगे कुकर में जो गैस है, और उसे निकालने के बाद जो है कि देखिए अब इसमें ग्रेवी टाइप का बन गया है। आलू जो है वो ग्रेवी के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो अब इसमें आवश्यकता अनुसार मैं पानी डालूंगा। थोड़ी बहुत जो कच्ची फूलगोभी रह जाएगी, जैसे कि देखिए ये कच्ची है और अभी पूरी तरह सीझी नहीं है, तो इसमें अब अपना आपको समझना है कि कितना ग्रेवी गाढ़ा रखना है। तो इसमें मैंने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया है ताकि जो है कि ग्रेवी तैयार हो जाए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है कि अब मैं एक दो सीटी लगवा लूँगा। जब ये एक दो सीटी लग जाएगी तो ये सब्जी तैयार हो जाएगी कुछ देर के बाद गैस निकलने के बाद। देखिए इस तरह से सब्जी तैयार हो जाएगी, एकदम ग्रेवी मसालेदार आपको देखने में लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा।